हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। एज यूजुअली द सिलेबस ऑफ क्लास 8 इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू टू बुक्स। फर्स्ट बुक दैट इज लिटरेचर एंड सेकंड बुक दैट इज ग्रामर। सो टुडे वी विल स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक। नेम द चैप्टर इज द बटरफ्लाई। This chapter is written by Hans Christian Andersen. Students, you need to remember one thing, that you have to learn the name of all the authors of the chapter, right? Further also we will study the next chapters, upcoming chapters, poems. So you have to learn all the names of poet as well as the authors, so that you can be able to answer the question if asked in the examination. Understood? So let's start the chapter. But before starting the chapter, let me give you a short central idea of the chapter, like what the whole story is all about. See the name of the chapter, The Butterfly. See the name of the chapter, The Butterfly. By seeing the name, you can understand that the whole story is all about the butterfly. One more thing, this is a story is highly imaginative. This is nothing reality in the chapter. You just have to only imagine. Understood? So there was once a butterfly who wanted to get married. Yani ek baar ek butterfly hoti hai jo shaadi karna chahti hai. चाहता है, यहाँ पर मेल बटरफ्लाई है, ठीक है, बिकॉज उसके लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है। तो देयर वॉज वंस अ बटरफ्लाई हु वॉन्टेड टू गेट मैरिड। इट वॉज हिज कीन डिज़ायर, ये उसकी दिली तमन्ना होती है, टू हैव द प्रेटीएस्ट ब्राइड फॉर हिम। अपने लिए वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो दुल्हन लेकर आए। सो वॉट ही डिड, लेकिन उसके लिए वो क्या करे, ही स्टार्टेड सर्चिंग, उसने सर्च करना शुरू कर दिया, यहाँ वहाँ गार्डन में, जंगल में, हर जगह जहाँ उसने देखा कुछ प्रेटी चीज़ें हैं तो उनको उसने सर्च करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। और एज ही वॉज सर्चिंग हिज ब्राइड, वेरी फर्स्ट द प्लेस ही वेंट टू फ्लावर बेड्स। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है इसको। फ्लावर बेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स गार्डन, ठीक है। और जैसे हम लोग गार्डन में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमको सो मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर मिलते हैं। वैसे ही जब बटरफ्लाई वहाँ पर गया तो उसे भी सो मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर मिले, और उसने सोचा कि इफ़ शी फाइंड प्रेटीएस्ट फ्लावर, इफ़ ही फाइंड, सॉरी मैं बार बार शी ही इसको बोल रही हूँ, बिकॉज बटरफ्लाई मोस्टली हम लोगों के इमेजिनेशन में शी ही रहता है, बट यहाँ पर मेल बटरफ्लाई की डिस्क्रिप्शन है चैप्टर में, सो हम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। इफ़ ही फाइंड प्रेटीएस्ट फ्लावर देन ही गॉट मैरिड विथ फ्लावर। उसने ये सोचा कि अगर इस फ्लावर बेड्स में या गार्डन में मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर मिलेगा, मैं उसको अपनी दुल्हन बना लूँगा और उससे शादी कर लूँगा। तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है, सबसे पहले वो जाता है डेसी के पास। डेसी जो है एक फेमस वैसे तो फ्लावर है, लेकिन फ्रेंच कॉल दिस फ्लावर मार्गेराइट। ये फ्रेंच लोग या फ्रांस में रहने वाले जो लोग हैं इसको क्या कहते हैं, मार्गेराइट कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, बिकॉज हु टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, यानी ये फेमस होता है प्रोफेसी करने में। प्रोफेसी ये वर्ड यहाँ पर ये वर्ड आपको देखने को मिलता होगा, प्रोफेसी। प्रोफेसी का मीनिंग होता है वो पर्सन जो हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताता हो, ठीक है, भविष्यवाणी करता हो, ठीक है। तो वो वहाँ उसके पास सबसे पहले जाता है। अब क्यों जाता है ये बटरफ्लाई उसके पास, वो इसलिए जाता है जिससे कि ये उसको बता सके पहले से कि सबसे ज़्यादा प्रेटीएस्ट फ्लावर उसको कहाँ मिलेगा और उसका नाम क्या है, जिससे कि वो यहाँ वहाँ सर्च ना करे और जा करके तुरंत उसको प्रपोज कर दे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू डेजी, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में मार्गेराइट कहते हैं। वी कॉल इट मार्गेराइट इन फ्रेंच
बिकॉज फ्रेंच प्यूपल इसको कहते हैं मार्गेराइट, और ये फेमस किसके लिए था? प्रोफेसी के लिए. प्रोफेसी कौन होता है? प्रोफेसी करने वाला हम किसे कहते हैं? जो पर्सन हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताता हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लावर है जो फ्यूचर के बारे में बताता है, ये भविष्यवाणी करता है. इसीलिए वो बटरफ्लाई उसके पास गया. कि क्यों गया? टू टेक द हेल्प. ये हेल्प लेने के लिए कि वो उससे उसको उसकी ब्राइड फाइंड करने में, उसकी दुल्हन फाइंड करने में उसकी हेल्प करे, जिससे कि वो फ्यूचर के बारे में उसको बता दे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेटीएस्ट मिलेगी या फ्लावर मिलेगा, और वो वहाँ जाकर उसको प्रपोज कर दे या शादी के लिए बोल दे, जिससे कि वो आसानी से अपनी दुल्हन को सर्च कर ले. ठीक है, अब उसने वहाँ जाकर उससे कहा क्या? उससे जाकर ये कहा कि यू आर द वाइजेस्ट वूमेन ऑफ ऑल फ्लावर. यहाँ पर उसने उसके लिए क्या यूज़ किया? वूमेन का वर्ड का यूज़ किया. अब वूमेन वर्ड का जब यूज़ किया तो डेजी गॉट एंग्री. वो उसको गुस्सा आ गया. क्यों आ गया गुस्सा? एंड डिड नॉट रिप्लाई. और उसने बिल्कुल भी रिप्लाई उसकी बात का नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? बिकॉज शी इज़ अ यंग गर्ल. वो यहाँ पर एक लड़की थी. अब किसी लड़की को आप आंटी बोल दो तो गुस्सा तो आएगा ना. तो इसी तरह से उसने उसको वुमैन बोला कि आप सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट वुमैन है ऑफ ऑल फ्लावर्स. तो डेजी गॉट एंग्री एंड डिड नॉट रिप्लाई. इसीलिए उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज इट अ यंग गर्ल. वो एक जवान लड़की थी. फाइनली उसने टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम उसने उसको क्वेश्चन किया, बट फाइनली नो आंसर बाय डेजी. देन वो किसके पास जाता है? देन स्टूडेंट्स वो जाता है कॉर्कस के पास. यहाँ पर आप मैंने हाईलाइट भी कर दिया है. यहाँ देखिएगा, उसने सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम उसको पूछा, बट डेजी ने कोई भी आंसर वहाँ से नहीं दिया. और वो फिर उसका, डेजी का कोई वेट नहीं किया और वहाँ से चला गया बटरफ्लाई. अब लास्ट में ये टाइम कौन सा था? अर्ली स्प्रिंग का टाइम था. और वो कहाँ, किसके पास गया? क्रोकस के पास गया. अब क्रोकस के पास जब गया और उससे भी यही कहा, तो सोचा कि ये प्रेटी लग रहा है मुझको, चलो मैं इसे ही प्रपोज कर देता हूँ. और फुल ब्लूम था उनके ऊपर, काफ़ी खिले हुए थे, अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा ये फ्लावर्स. बट उसने उनको पहले तो देखा, पहले उनके पास गया, बट ही रिजेक्टेड क्रोकस. क्यों कर दिया रिजेक्ट उसने क्रोकस को? बिकॉज इट वॉज़ वेरी स्मॉल इन साइज. ये साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, इसीलिए उसने इस फ्लावर को भी रिजेक्ट कर दिया. अब नेक्स्ट वो किसके पास जाता है? डेलिया के पास. डेलिया भी इट्स अ टाइप ऑफ फ्लावर. डेलिया के पास जाता है, उसको डेलिया भी बहुत अच्छा लगता है. पहले तो सोचता है इसको प्रपोज कर देता हूँ शादी के लिए, बट डेलिया को भी उसके पास जाके रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज इट हैज़ नो फ्रैग्रेंस. इसमें कोई भी खुशबू नहीं है. उसमें कोई, उसके पास जब जाता है तो उसको कोई भी फ्रैग्रेंस सूंघ नहीं पाता है, उसकी कोई खुशबू उसको समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको भी वो रिजेक्ट कर देता है. नेक्स्ट वो जाता है हनी सकल के पास. हनी सकल के पास जब वो जाता है तो ही ऑल्सो रिजेक्ट हनी सकल, बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट कैन बी ईजीली फाउंड. क्योंकि वो एक कॉमन सा था और ईजीली हर जगह मिल भी जाता था, इसलिए वो हनी सकल को भी रिजेक्ट कर देता है. अब नेक्स्ट उसके पास अब कोई ऑप्शन तो इधर तो वो सबको एक एक करके उसने रिजेक्ट कर दिया. नेक्स्ट जब वो उड़ता है तो उसको उसकी नज़र पड़ती है एनिमॉन्स के पास. एनिमॉन्स को देखता है तो पहले तो उसको पसंद करता है, लेकिन जब उसके पास जाता है तो उसको भी रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होते हैं. इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है वायलेट पर. वायलेट को देखता है, पसंद भी करता है, उसका कलर भी उसको पसंद आता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और साथ में वो सेंटिमेंटल होते हैं. सेंटिमेंटल का स्टूडेंट मीनिंग होता है इमोशनलेस. इनमें ज़्यादा इमोशनल नहीं है और लिटिल टू, बहुत छोटे भी हैं, तो उनको भी रिजेक्ट कर देता है. नेक्स्ट वो जाता है लाइम ब्लॉसम, मतलब नींबू के फूलों के पास. ठीक है, तो वहाँ जाता है तो पहले तो देखता है अच्छे हैं, फ्रैग्रेंस भी अच्छा है, बट वो टू स्मॉल होते हैं. और साथ में उनकी फैमिली जो है वो, देयर वॉज सच अ लार्ज फैमिली ऑफ क्या कहते हैं टुमारो, यानी उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली और साइज़ में स्मॉल है, इस वजह से उनको भी रिजेक्ट कर देता है. ठीक है, फैमिली ऑफ देम. देन वो किसके पास जाता है? देन जाता है एप्पल ब्लॉसम के पास. अब एप्पल के जो फूल होते हैं वो लुक्ड लाइक रोजेज, एकदम रोज़ की तरह दिखाई देते हैं.
लेकिन थोड़ी देर उनको देखने के बाद उनको भी वो रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज ब्लूम्ड टुडे बट माइट फॉल ऑफ टुमारो, यानी आज वो खिलते हैं और अगले ही दिन वो उनको वो मुरझा जाते हैं। इसीलिए वो रोज़ के फ्लावर को भी उनको भी कैंसिल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये उसकी अगर उससे मैरिज कर लेता वो तो बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ नहीं रह पाता, बिकॉज वो बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं, ब्लूम्ड टुडे एंड माइट फॉल टुमारो, ठीक है, अगले ही दिन वो गिर जाते हैं खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके उसने किस किस को, लेमन के फ्लावर्स को कैंसिल किया, वायलेट को कैंसिल किया, एनिमॉन्स को कैंसिल किया, देन उसने किसी इसको एप्पल ब्लूम्स को भी कैंसिल किया, इससे ऊपर भी वो डेजी वगैरह को मार्गरेट को रिजेक्ट कर चुका था, ठीक है। देन उसके बाद वो उसकी नज़र पड़ती है पी ब्लॉसम पे, यानी मटर के पौधे पर, और मटर की कलियाँ उस टाइम आ रही थी। वो कलर में कैसी होती हैं, वाइट एंड रेड होती हैं, बड़ी ग्रेसफुल लगी उसको बहुत ज़्यादा, उनकी बॉडी का शेप सिलेंड्रिकल बहुत अच्छा लगा, खुशबू भी उसको अच्छी लगी, साथ में मटर जो है वो सभी के किचन में उसने कहा कि यूज़फुल होती है। उन्होंने सोचा चलो मैं इसी को प्रपोज कर देता हूँ, इसी से ही मैरिज कर लेता हूँ। बट आफ्टर सम टाइम उसने ही सॉ अ पॉड, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने एक पॉट देखा विद अ विदर्ड फ्लावर हैंगिंग एट द एंड, यानी उसने एक मुरझाया हुआ सा पौधा देखा। तो उसने पूछा हु इज़ दैट, बटरफ्लाई ने पूछा हु इज़ दैट, तो जो पी का पौधा वो फ्लावर था, कली थी, उसने क्या कहा, दैट इज़ माई सिस्टर, क्या कहा, ये मेरी बहन है। और उसने ये फिर बटरफ्लाई ने सोचा कि अगर ओ इंडीड एंड यू विल बी लाइक हर समडे, यानी इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी सिस्टर है, तो बड़ी सिस्टर है, उसकी ये कंडीशन है कि वो मुरझा गई, तो इसका मतलब तुम भी अब अगले दिन या एक ना एक दिन तुम भी ऐसे ही हो जाओगी। तो उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और स्टूडेंट हनीसकल में आपको स्टूडेंट शुरू में ही बता दिया मैंने, तो हनीसकल के पास पहुँचा, इसके बाद वो मटर के फूल के बाद वो हनीसकल के पास पहुंचा, उसको भी कैंसिल किया, बिकॉज वो वेरी कॉमन और बहुत ही आसानी से हर जगह अवेलेबल है। लेकिन उसने अभी तक स्प्रिंग सीजन निकल गया, स्प्रिंग वेंट, देन समर ड्यू टू वर्ड्स, ठीक है, समर भी निकल गया, फिर उसके बाद ऑटम केम, ऑटम आ गया, यानी ऑटम सीजन आ गया, बट वो अभी भी, स्प्रिंग निकला, समर निकला, देन ऑटम आ गया, लेकिन अभी भी उसकी सर्चिंग कंप्लीट नहीं हो पाई, वो अपने लिए कोई अच्छी सी दुल्हन नहीं देख पाया। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक हमें मॉरल भी मिलता है कि नो बडी कैन परफेक्ट, यानी कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो अगर वो बटरफ्लाई चाहता तो कहीं उसकी भी मैरिज हो चुकी होती, इतने सारे सीजन्स नहीं निकलते जो उसने सीजन्स निकाल दिए, स्प्रिंग निकाल दिया, समर निकाल दिया, ऑटम निकाल दिया, बट उसकी शादी नहीं हो पाई, अपने लिए दुल्हन नहीं ढूंढ पाया, बिकॉज वो बिल्कुल परफेक्शन चाह रहा था और परफेक्शन वहाँ कहीं भी उसको नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई। अब क्या हुआ स्टूडेंट, बटरफ्लाई जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहे थे, सीज़न निकल रहे थे, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो बटरफ्लाई भी जो है वो बिकेम ओल्ड, बटरफ्लाई भी बूढ़ा होता चला जा रहा था। एट लास्ट ही सा अ मिंट प्लांट, यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं, उसने क्या देखा, एक मिंट का वो देखा प्लांट, ठीक है। उसने उसके बारे में क्या क्या देखा ये हम नेक्स्ट पेज पर अभी देखेंगे। स्टूडेंट्स मिंट प्लांट में कोई फ्रैग्रेंस नहीं होता है, कोई फ्लावर उसमें नहीं आते हैं, बट तब भी बहुत ज़्यादा कैसा होता है, उसमें फ्रेशनेस होती है, बहुत ज़्यादा हमें ठंडा ठंडा फील होता है। तो बटरफ्लाई ने भी ये सोचा कि ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ये कभी मुरझाएगा भी नहीं, ठीक है, तो इससे अगर मैं मैरिज कर लूँगा तो मेरी मैरिज थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है। तो एट लास्ट ही सॉ द मिंट प्लांट, इट हैज़ स्वीटनेस एंड फ्रेशनेस ऑल ओवर, सो द बटरफ्लाई थॉट टू प्रपोज हर, एंड फाइनली वन डे ही प्रपोज्ड हर, और फाइनली उसने एक दिन उसको प्रपोज्ड भी कर दिया। बट मिंट जो है वो डिनाइड, मिंट ने उसके जो प्रपोजल था उसको डिनाइड किया, यानी उसने मना कर दिया। मिंट ने क्यों मना कर दिया और क्या कहा, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, उसने कहा बटरफ्लाई की जो है वो एज बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने मना कर दिया। एंड ओनली एग्रीड फॉर फ्रेंडशिप, और सिर्फ जो मिंट था वो फ्रेंडशिप के लिए ही एग्री उसने किया।
उसने क्या कहा कि आई एम ओल्ड एंड यू आर ऑल्सो ओल्ड, सो दैट मैं ऐसी रेडिकुलस कंडीशन वाली एज, यानी लोग जो मजाक बनाए जिस शादी का, उस वाली कंडीशन में शादी नहीं करना चाहता. सो मैं सिर्फ आपसे क्या कर सकता हूँ, ओनली फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, फ्रेंडशिप ओनली. ये कहा ना, इफ़ यू प्लीज़ फ्रेंडशिप, यानी मैं सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ. आई एम ओल्ड, यू आर ओल्ड, वी मे लिव फॉर ईच अदर जस्ट द सेम एज टू मैरिंग. नो, डोंट लेट अस appear ridiculous at our age. यानी मैं नहीं चाहता कोई हमारी एज का मजाक उड़ाए, हाँ, और इस शादी का मजाक उड़ाए. हम सिर्फ फ्रेंडशिप करके रह सकते हैं. सो ऑटम वेंट बाय देन, उसके बाद ऑटम भी निकल गया, क्योंकि अभी तक तो वो रिजेक्ट करता आ रहा था बटरफ्लाई सारे फ्लावर्स को, बट अब जो है वो मिंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया एज की वजह से. ठीक है, तो अब ऑटम भी निकल गया, रेन स्टार्टेड, अब बारिश स्टार्ट हुई, देन कोल्ड वेदर कम, और उसके बाद ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया. बटरफ्लाई वॉन्टेड अ शेल्टर, अब बटरफ्लाई को एक शेल्टर की ज़रूरत थी. एंड वेंट टू अ रूम विच वॉज वार्म, और ऐसा रूम में वो गया जो कैसा था, गर्म था. अब बाय चांस उसको जो रूम मिला वो गर्म तो था और शेल्टर भी मिल गया, क्योंकि ठंडे मौसम में बटरफ्लाई नहीं रह सकती बाहर. बट आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट इरिटेटेड, कुछ ही दिनों में उसको क्या लगने लगा, वहाँ पर बहुत इरिटेशन महसूस होने लगा. और जब उसको इरिटेशन महसूस होने लगा तो ही थॉट टू गो आउट, उसने सोचा कि मुझे अब बाहर जाना चाहिए. सो ही सॉ नियर द विंडो पैन, उसने विंडो पैन से देखा, विंडो पैन के पास में देयर वॉज अ प्लांट, वहाँ पर एक पौधा था. और इट वो पौधा जो है, इट स्टक द बटरफ्लाई टू द बोर्ड बाय पिंस, यानी उसने देखा विंडो पैन के पास कि एक पौधा है, और उस पौधे ने बटरफ्लाई को क्या किया, पिंस से टैग बोर्ड में टैग दिया. जिस तरह से हम अपने टैग बोर्ड्स में चीज़ें लगाते हैं पिन से, टैग बोर्ड पिन से, वैसे ही बटरफ्लाई के जो विंग्स थे उसको उस प्लांट ने टैग बोर्ड में लगा दिया. बटरफ्लाई वॉज हेल्पलेस, अब बटरफ्लाई बिल्कुल हेल्पलेस था, और उसने क्या कहा, प्लांट से कहा, प्लांट्स आर नॉट टू बी ट्रस्टेड, प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं हैं. और अब पिक्टोग्राफी, पिक्चर से भी हम अपना देखेंगे इसमें कि किस तरह से उस प्लांट ने बटरफ्लाई को टक कर दिया बोर्ड में. तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दो पिंस लगी हुई हैं, प्लांट ने इस बटरफ्लाई को यहाँ पर टक कर दिया. स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया. और यहाँ पर हमने क्या देखा कि ना ही तो ऐसा हो सकता है कि बटरफ्लाई किसी फ्लावर से मैरिज करे, और ना ही ऐसा हो सकता है कि कोई प्लांट बटरफ्लाई को टैग बोर्ड में, एक लिविंग थिंग को इस तरह से लगा दे, और ना ही प्लांट ऐसा मूवमेंट करके कर सकता है. सो दैट लिटरेचर क्या होता है, सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, और ये स्टोरी भी एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है. सो ये स्टोरी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है. आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.